जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। ये शेख रशीद के उस जगह पर कमेटी चौक में आने के मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब किया। डीएसएनजी वैन पर चढ़कर आराम से बैठे, अपना सिगार सुलगाया और कारकुनान से खिताब भी किया। यानी हम कह सकते हैं कि जो जलसा वहाँ पर होना था लाल हवेली के बाहर, वो कमेटी चौक में हो चुका है। अदील बड़ाई से मजीद सूरत हाल जाने गए। अदील बताएगा, शेख रशीद यहाँ से जा चुके हैं, अभी माहौल कैसा है? जी, शेख रशीद यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बदतरीन शेलिंग की वजह से यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे भी शदीद मुतासिर हुए हैं, और यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो डिस्पर्स हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त कमेटी चौक में शेलिंग का सिलसिला फिर भी जारी है, ताकि यहाँ पर गैदरिंग ना हो। शेलिंग करने का मकसद ये है। जो यहाँ पर शेख रशीद भी यहाँ से फौरी तौर पर इसीलिए चले गए कि जब वो खिताब कर रहे थे, जान बूझ कर उनके करीब, उनके ऊपर तो नहीं लेकिन उनके अतराफ में शेलिंग जान बूझ के की जा रही थी, ताकि आंसू गैस का धुआं वहां पर आए और वो जल्द ही लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। और वही हुआ, शेख रशीद को खिताब करके यहाँ से फौरी जाना पड़ा, और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर बैठ कर रवाना हुए। अदील, आप सब खैरियत से हैं, क्योंकि आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आप लोगों को भी काफी दिक्कत हुई है टियर गैस की वजह से। जी यकीनन, यहाँ पर खड़ा होना इस वक्त नामुमकिन है, क्योंकि आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग की गई है, और वो शेलिंग डीएसएनजी वैन के करीब इसलिए की गई ताकि शेख रशीद जो कि खुद डीएसएनजी वैन के ऊपर बैठे थे, ताकि ये लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। और जब शेख रशीद वैन के ऊपर थे तो उनके कारकुनों को एक एक करके यहाँ से गिरफ्तार करके सादा कपड़ों में लोग आकर ले जाते थे। तो यहाँ से जब शेख रशीद रवाना हुए तो उस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये डिसाइडेड था कि शेख रशीद को गिरफ्तार नहीं करना, जो उनके साथ आने वाले कारकुन हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि पहले से तय हो चुका था कि शेख रशीद आएंगे, बोलेंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं कहना, उनको गिरफ्तार भी नहीं करना। जी बिल्कुल, ये डिसाइडेड था कि शेख रशीद को गिरफ्तार इसलिए नहीं करना क्योंकि फिर लोग मुश्किल होकर वहां पर आ जाते हैं, और इस्लामिया की इसकी चौक पर यही वजह है। आप में जब वो उन्हें दिखा रहा रात में उसका मकसद जो मीडिया यहाँ से चौक में है और बदमाइंदे खड़ा होना है, और जो दुकानें खुल के अभी जा रहा ठीक। अरे बोर आप पूरी बाकी टेंशन है पर से बने, और जिस के बाकी ने है आप से वहां पर मौजूद कारकुनान गुड़िया के नुमाइंदे भी है, ये सुनते रहेंगे इस तरह से कि यहाँ हालांकि भी हालात